आज की रेसिपी कुछ खास होने वाली है। आज हम मटन तर्री बनाएंगे। मटन तर्री में ग्रेवी काफी लूज बनती है और जिसे आमतौर पर रोटी, चपाती या फिर चावल के साथ खाया जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस रेसिपी को बनाने के बाद आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। रेसिपी छोटी सी ही है, इसलिए आप इस रेसिपी को पूरा देखिए। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए अब बनाते हैं मटन तर्री। मैंने यहाँ लगभग 350 ग्राम मटन लिया है जिसे अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। अब हम इसका मसाला बनाएंगे। इसके लिए 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लेकर इन सभी मसालों में थोड़ा सा पानी मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब मैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 हरी मिर्च और 15 से 18 लहसुन की कलियां लेकर इन सभी को दरदरा पीस लेता हूं। अब एक पैन में 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल को गर्म करके उसमें 1 मीडियम साइज के प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज फ्राई हो गया है, अब इसको एक ग्राइंडर में लेकर इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी और 2 लौंग डालकर इन सभी मसालों का एक पेस्ट बना लेंगे। अब एक पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल को गर्म करेंगे और ऑयल के गर्म होते ही इसमें प्याज वाला पेस्ट डाल देना है। यहाँ पर प्याज की वजह से ऑयल की छींटे आ सकती हैं, इसलिए कुछ देर के लिए इसे ढक देते हैं। अभी बची हुई प्याज में भी थोड़ा सा पानी मिलाकर मैं इसमें डाल देता हूँ। प्याज से हल्का हल्का ऑयल रिलीज होने लगा है, अब मैं इसमें 1 टमाटर की प्योरी डाल देता हूँ। अब हमने जो मसालों का पेस्ट बनाया था वह इसमें डाल देना है। मसाले और टमाटर पक गए हैं, इसके ऊपर ऑयल भी आने लगा है। अब मैं इसमें जो लहसुन, अदरक और हरा मिर्च का पेस्ट बनाया था वह भी डाल देता हूं। एक लहसुन भी डाल देते हैं। और मैं अब मटन डाल देता हूं। जरूरत के हिसाब से पानी मिलाएंगे। यहां मैंने बचे हुए मसाले को भी पानी में मिलाकर डाल दिया है। यहाँ पर पानी की क्वांटिटी हमको थोड़ी सी ज्यादा रखनी है क्योंकि यह मटन धीमी आग पर अगले 45 से 50 मिनट तक पकेगा। आई थिंक इतना पानी ठीक है। लगभग 1 घंटा हो गया है और यह मटन पूरी तरीके से पक गया है। गैस को बंद कर देते हैं और फटाफट से इसको सर्व कर लेंगे। धीमी आग पर और लंबे टाइम तक पकने की वजह से मीट इतना सॉफ्ट हो गया है कि यह मुंह में आते ही घुल जाएगा। यह मटन तर्री बहुत कम मसालों से बनी है और इसका स्वाद आपको एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस देने वाला है। तो इस वीकेंड इस रेसिपी को बनाना तो बनता ही है। आशा करता हूँ यह रेसिपी आपको पसंद आएगी। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि ऐसी अमेजिंग रेसिपी आप तक पहुंचती रहे।